Fusion. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर आप जो है J6 2018 मॉडल डिवाइस यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी जो है पिछले ही कल जो है J6 2018 को एक नया F40 अपडेट आया है, और इस अपडेट में जो है J6 को क्या नया मिला है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और कितने MB का ये अपडेट था। सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, इसको जो अपडेट आया हुआ है 286.42 MB का अपडेट आया है इस J6 2018 मॉडल को, और इस अपडेट में जो है इसको 1 दिसंबर का सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी मिला है, और साथ में एक और बड़ी चीज़ जो है अपडेट में मिली है वो मिली है इसको ड्यूल वोल्टेज सपोर्ट मिल चुका है। एंड दोस्तों, ड्यूल वोल्टेज सपोर्ट इस डिवाइस को जो है मिल चुका है, मतलब कि अब वो दोनों सिम पे जो है वोल्टेज सिम जो है यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि दोनों सिम पे जो है वो 4G यूज़ कर सकता है एक साथ। सो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है J6 2018 मॉडल के लिए। सो जिसके पास जो है J6 2018 मॉडल है, जिन्होंने अपडेट नहीं किया है, सो इस अपडेट को जो है जल्द ही अपडेट कर लें, और जिन्होंने अपडेट कर लिया है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए कि क्या क्या और नया मिला है। सो मुझे जो है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट्स करना। और ये जो न्यूज़ है J6 2018 की F40 अपडेट की, ये मुझे राहुल ने दी है, राहुल बच्चानी जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कल ही इसकी न्यूज़ दे दी थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना दिया है। सो थैंक यू राहुल फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और उसके बाद हम बात करेंगे J7 Max, जो कि अभी तक इसको जो है ओरियो का अपडेट नहीं मिला है। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई J7 Max को ओरियो का अपडेट कब आएगा, भाई अभी तो दिसंबर भी ख़त्म होने को आया है, लेकिन जो है J7 Max के जो है उसे ओरियो का अपडेट आपको मिलना है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुका है, क्योंकि सैमसंग जो है लास्ट में जो है अपने डिवाइस जो है थोड़ा लेट कर देता है अपडेट के लिए, लेकिन J7 Max जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डिवाइस है, लेकिन अभी तक जो है J7 Max को ओरियो का अपडेट नहीं मिला है। सो शायद इसको जो है आपको ओरियो का अपडेट जो है इस मंथ के एंड में मिल जाए, क्योंकि अब जो है सैमसंग जो है वो अपने अपडेट्स को लेके कोई लीक मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करता है। सो अगर आप मेरे को कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी J7 Max को लेके, तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी। सो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी टेस्टिंग चल रही है और फर्मवेयर इसका तैयार हो रहा है। सो जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों, आज की थी ये वीडियो। सो बाय बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पर।